जनपद देवरिया के प्याज उत्पादक किसानों, लहसुन उत्पादक किसानों के लिए कृषि विभाग और NHRDF के सहयोग से एक हम लोगों ने नया इनोवेशन किया है, जिसमें कि प्याज के भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए किसानों के पास में बांस का प्याज भंडारण गृह बनाया गया है, जिसकी लागत लगभग 15,000 रुपये आई है और इसमें 25 क्विंटल प्याज आराम से एकत्रित किया सकती है और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। किसान भाई जो प्याज उत्पादन कर रहे हैं वो इसमें यदि भंडारण करेंगे तो उनको बाज़ार में जब किसान प्याज का मूल्य ज़्यादा होगा उसमें उचित मूल्य मिलेगा और उनकी प्याज के भंडारण क्षमता की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। वो 3 से 4 महीने तक प्याज का भंडारण इस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं और इसके बाद जब बाज़ार का भाव अच्छा हो तो इसमें से अपनी प्याज बेच सकते हैं। लगभग इसमें जो हम लोगों का एस्टिमेशन है, अभी अनुमान है, यदि इसके करके देखा जाएगा कि लगभग 1 रुपये प्रति किलो की इसमें भंडारण लागत किसान को आएगी और मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चर किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आने वाले समय में जनपद देवरिया के और आसपास के जनपद के किसानों को जो कि प्याज की खेती कर रहे हैं उनको अपने घर पर ही भंडारण करने के लिए बहुत ही सुगम और सस्ते दरों पर ये भंडारगृह उनके घर पर बनवाया जा सकेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सकें हमारे वीडियो सबसे पहले।